हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि पीएसयू प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर क्वालिफाइंग सीएससीए में, तो उन लोग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएसटी। जीएसटी से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी लॉ का और इनकम टैक्स का वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जा करके देख सकते हैं। और भी जो अदर्स पेपर है उसका भी मैं जल्द से लाने की कोशिश करूँगा। अभी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी का एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी। कौन कौन सा टैक्सेस है जो कि जीएसटी के अंदर आया, क्योंकि पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस था उसमें आता था सर्विस टैक्स था, वैट था, सीएसटी था, एक्साइज था, तो ये सब पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस था। बट अब सभी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस को सिर्फ अब एक टैक्स बना दिया गया, उसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्सेस हैव बीन सब्सूम्ड इन जीएसटी। कौन सा टैक्सेस है जो कि जीएसटी के अंदर आ गया, ठीक है। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स जो कि पहले सीएसटी था, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अब जो पहले वैट था, सभी को अब सब खत्म हो चुका है, अब सब वैट के थी जीएसटी के अंदर आ चुका है, ठीक है, सब जीएसटी के अंदर आ चुका है। ये मैं बता दूं आपको, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है ना, अभी भी कुछ कुछ ऐसा गुड्स है उस पर लग रहा है, जैसे कि अल्कोहल वगैरह उस पर अभी भी एक्साइज है, एक्साइज पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बट ऐसा आप मान सकते हैं कि जो मोस्टली ऑफ द टैक्सेस था, मतलब जो उतना भी एक्साइज पहले लगता था प्रोडक्शन और मैनुफैक्चर पे, तो वो सब तो लगता नहीं है क्योंकि हर चीज़ पर अब जीएसटी लगता है। इसलिए आप यहाँ पे इसको आंसर में मान सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्सेस हैव बीन सब्सूम्ड इन जीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज, वैट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का डी, ठीक है। फर्स्ट वन हो जाएगा डी, विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्सेस हैव बीन सब्सूम्ड इन जीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सीएसटी और एक्साइज और वैट सब जीएसटी के अंदर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, लिस्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंस मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेंट्रल गवर्नमेंट, इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ, ठीक है। लिस्ट वन के हिसाब से देखिए, लिस्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखिए, उसमें जो सेंट्रल, जो लिस्ट वन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है, ठीक है। लिस्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर होता है लिस्ट वन में, जो लिस्ट टू होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, और लिस्ट थ्री होता है वो होता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री बोलता है, GST is लिव्ड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, जीएसटी सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर वुमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर वुमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर वुमन कंजम्पशन पे, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, अभी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अल्कोहलिक लिकर फॉर वुमन कंजम्पशन पे अभी भी लगता है। ओके, तो जीएसटी इज लिव्ड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, हाँ, बट जीएसटी अल्कोहलिक का प्रूफ में कहने से पे नहीं लगता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर बोलता है, ऑन पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट को ही कॉमनली बोला जाता है पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें जीएसटी इज नॉट लिविड एट ऑल, जीएसटी नहीं लगता है, ऐसा बात तो नहीं है जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी लगता है। जीएसटी विल बी लिव फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो इसमें जीएसटी लगता है, जीएसटी विल बी लिव फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन बी हो जाएगा, जीएसटी विल बी लिव फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में। क्वेश्चन नंबर फाइव बोलता है, द फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इंक्लूड, फंक्शन क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का फंक्शन है फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी, ठीक है, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ IGST। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो आर्टिकल है 279A, 279A ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन भी हो जाएगा 279A। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में। क्वेश्चन नंबर सेवन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज Which of the following is not a supply as per section 7 of the CGST Act? इसमें से कौन है जो कि सप्लाई नहीं है? Which of the following is not a supply as per section 7? तो ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है ना, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज नॉट इन कोर्स और फादरेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज नॉट इन कोर्स और फादरेस ऑफ बिजनेस। ठीक है फ्रेंड्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज नॉट इन द कोर्स और फादरेस ऑफ बिजनेस, क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट में। क्वेश्चन नंबर एट बोलता है कि डस स्पेसिफाई द एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो शेड्यूल वन में जो भी एक्टिविटी है, जो शेड्यूल वन का जो एक्टिविटी है वो डिफाइन करता है कि उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी देता है कोई भी ट्रांजेक्शन में, फिर भी वो सप्लाई कहलाता है। ठीक है, जैसे सप्लाई में क्या होता है ना कि जब तक कंसिडरेशन है तब तक सप्लाई नहीं है, बट जो शेड्यूल वन में है जो भी उसमें एक्टिविटी है उसमें अगर आप कंसिडरेशन नहीं भी देते फिर भी वो सप्लाई के अंदर आता है। ठीक है, शेड्यूल वन ऑफ द सी जी एस्टेट स्पेसिफाइड एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन हो जाएगा शेड्यूल वन ऑफ द सी जी एस्टी एक्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में। क्वेश्चन नंबर नाइन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई एंड नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई, इसमें से कौन है जो सप्लाई के अंदर नहीं आता एंड नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो सप्लाई के अंदर सभी नहीं आता, जैसे सर्विस ऑफ फ्यूनरल हो गया, एक्सोनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, चाहे फिर सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये सभी जो तीन स्टेटमेंट है वो सप्लाई के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो मैं बता दूं आपको, जैसे यहाँ पे जो शेड्यूल वन था, यहाँ पे है कि आपको कंपलसरी सप्लाई यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे निगेटिव लिस्ट है, मतलब कि ये शेड्यूल थ्री के अंदर आता है। इसमें होता है कि कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं तो वो सप्लाई के अंदर नहीं आता। ठीक है, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स एंड रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, ऑल ऑफ द एबव, क्वेश्चन नंबर नाइन का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टेन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई आर नेचुरली बंडल, इसमें से कौन है जो कि नेचुरली बंडल है। ठीक है, नेचुरली बंडल डेट मीन्स ये कंपोजिट सप्लाई के अंदर होता है। कंपोजिट सप्लाई में नेचुरली बंडल कोई भी सामान जो होता है उसमें नेचुरली बंडल होता है, और इसमें हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स नहीं, प्रिंसिपल रेट जो प्रिंसिपल जो इसमें गुड्स होगा उसका रेट लगेगा। ठीक है, जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसका गुड्स उसका रेट लगता है। ठीक है, जैसे मोबाइल खरीदते हैं उसका साथ चार्जर फ्री देता है, तो मोबाइल का जो रेट रहेगा जीएसटी वो जीएसटी रेट लगेगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई आर नेचुरली बंडल, तो रेंट डीड एग्जीक्यूटेड फॉर रेंटिंग ऑफ टू डिफरेंट फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, वन फॉर रेसिडेंशियल एंड अनदर फॉर कमर्शियल। एक फ्लोर रेसिडेंशियल पर्पज के लिए और एक फ्लोर कमर्शियल पर्पज के, तो ऐसे थोड़े ना होता है कि नेचुरली बंडल है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइक ऑफ बाज टाई एंड बेल्ट, तो ये तो नेचुरली बंडल है नहीं, सेपरेट सेपरेट है। ठीक है, तो फिर पैकेज ऑफ कैंड फूड सच एस बर्गर चॉकलेट स्वीट्स, तो ये सब जितना भी जो दिया है ना सब मिक्स सप्लाई है। ठीक है, ये सब मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होता है ना कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक साथ बेचते हैं एक साथ कर करके और वो सिंगल प्राइस पे बेचा जाता है। ठीक है, सिंगल प्राइस होना चाहिए और इसमें जो हाईएस्ट रेट लगता है वो रेट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जो ऑप्शंस एक्टिविटी यहाँ पे जितना भी जो आंसर मतलब दिया हुआ है, इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है वो सभी मिक्स सप्लाई का आंसर है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल बोलिए। ठीक है, तो नेचुरली बंडल कोई भी नहीं है, कंपोजिट मतलब कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है ए डस सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स किसमें लगता है? हाईएस्ट जो रेट ऑफ टैक्स लगता है वो लगता है मिक्स सप्लाई में। ठीक है, हाईएस्ट रेट ऑफ जो टैक्स लगता है वो लगता है मिक्स सप्लाई में। जैसे मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर दिवाली के समय जैसे कि जो एक पैकेट होता है उसमें चार पांच चॉकलेट कर देते हैं एक साथ, और कि जो जो चॉकलेट का हाईएस्ट जो रेट लगेगा वो लगेगा।
पैकेट के ऊपर, बट वो सिंगल प्राइस में सबको सेल होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन भी हो जाएगा मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, हम लोग आगे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है बीच ऑफ द फॉलोइंग, बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें कौन ऐसा एक्टिविटी है जो कि सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है? वो ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। 12 का ये ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर विदाउट ट्रांसफर इन टाइटल इन गुड्स। ठीक है, तो ये सब सब एक्टिविटी है जो कि सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट। मैक्सिमम रेट कितना होता है सीजीएसटी एक्ट के अंदर? मैक्सिमम रेट है 20%। ठीक है, मैक्सिमम रेट है 13 का ए का मतलब 13 का ऑप्शन ए होगा 20%। सीजीएसटी रेट का जो मैक्सिमम रेट है वो है 20%। तो एसजीएसटी का भी 20% ही मैक्सिमम रेट, अगर आईजीएसटी का पूछे क्वेश्चन में तो 40% हाईएस्ट रेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए होगी। हम लोग आगे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है बीच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लिव्ड ऑन, बीच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लिव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं मतलब विद इन द स्टेट अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो फिर कौन सा टैक्सेस लगेगा? अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सीजीएसटी एक्ट और सीजीएसटी और एजीएसटी या यूटीजीएसटी लगता है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी इन दिल्ली। इसका आंसर है 75 लाख। ठीक है, 15 का डी हो जाएगा। दिल्ली में अगर कंपोजिशन डीलर है तो उसका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो 75 लाख तक होगा, तभी वो कंपोजिशन डीलर के रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। इसमें से कौन है जो कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर नहीं आता है? तो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर जो वैल्यू ऑफ जो इनवर्ड सप्लाई होता है ऑन विच टैक्स इज पेड एंड रिवर्स चार्ज, जो रिवर्स चार्ज के अंदर आप कुछ भी अगर पेमेंट करते हैं तो वो नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है आईजीएसटी इज लिव्ड ऑन, आईजीएसटी इज लिव्ड ऑन, आईजीएसटी किस पे लगता है? अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट मतलब विद इन वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो फिर इंटर स्टेट जो आईजीएसटी है वो लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई 17 का है। हम लोग आगे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश इज लिव्ड ऑन द, डैश इज लिव्ड ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इसमें लगेगा आईजीएसटी 18 के ए ऑप्शन ए, आईजीएसटी 18 के ए ऑप्शन आईजीएसटी। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी कैन बी, मैक्सिमम रेट आईजीएसटी कितना है? तो आईजीएसटी का जो मैक्सिमम रेट है वो है 40%। ठीक है, 40%। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑन सप्लाई ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग आइटम जीएसटी शैल बी लिव्ड, जीएसटी शैल बी लिव्ड एंड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट नोटिफाई सेंटर गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। इसका आंसर होगा 20 का पेट्रोलियम क्रूड। ठीक है फ्रेंड्स, पेट्रोलियम क्रूड। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आगे का जो भी एनसीक्यू है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मोस्ट अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।